क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में खराब पड़ी सीटी स्कैन मशीन सहित अन्य सुविधाएं न मिलने के कारण लोगों को हो रही परेशानियों से निजात दिलाने के लिए युवा कांग्रेस बिलासपुर ने जिलाध्यक्ष आशीष ठाकुर की अगुवाई में जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। उपायुक्त कार्यालय परिसर में करीब 2 घंटे तक धरने पर बैठे रहे। इससे पहले युवा कांग्रेस ने इंदिरा भवन बिलासपुर से एक विरोध रैली निकाली और जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और प्रदेश सरकार के अलावा मुख्यमंत्री के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय अस्पताल में अव्यवस्थाओं के चलते सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। क्षेत्रीय अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन काफी दिनों से खराब पड़ी है, जो अभी तक सही नहीं हो पाई है। अगर जल्द ही व्यवस्थाओं में सुधार नहीं किया गया तो वो उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। सबसे पहले मीडिया कर्मियों का आभार एवं धन्यवाद। आज जिला बिलासपुर युवा कांग्रेस ने एक रैली निकाली। रैली पार्टी ऑफिस इंदिरा भवन से लेकर डीसी ऑफिस तक थी। उसके बाद हम यहाँ पर धरने बैठे हैं। जो ये हमारी रैली थी और ये धरना है, ये सिर्फ एक मुद्दे के ऊपर है। जो हमारा जिला बिलासपुर है, ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का गृह जिला है। पर बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जिला के अंदर जो हमारा क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर है, बिलासपुर जिला की जनसंख्या 4.5 लाख है, पर अस्पताल की जो व्यवस्थाएं हैं उससे आप भली भांति अवगत हैं। इस अस्पताल में अगर कोई व्यक्ति ईसीजी करवाने के लिए जाता है तो वहां पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी उनको ईसीजी करने से मना कर देते हैं। अल्ट्रासाउंड की मशीन पड़ी हुई है, अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए कोई जाएगा तो बोलेंगे जी हमारे पास कोई है नहीं। एक रेडियोलॉजिस्ट की जरूरत है, रेडियोलॉजिस्ट भी इनके पास नहीं है। सीटी स्कैन की इनके पास मशीन नहीं है। आज हम सोच के आए हैं घर से आराम से कि जब तक कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ हमारे से बात नहीं करेगा और हमें लिखित रूप में देगा कि किस दिन, हाँ साथ में एमडी, सिर्फ एक एमडी है पूरे बिलासपुर में। लोग परेशान हो चुके हैं। जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं सिर्फ 2 हैं, जबकि 50% की जनसंख्या है वो महिलाओं की है और महिलाओं को जरूरत रहती है। तो एक तो जो मेरी हमारी प्रमुख मांगे हैं आज, वो सबसे पहली मांग है जिला बिलासपुर के क्षेत्रीय अस्पताल के अंदर सीटी स्कैन की मशीन तुरंत प्रभाव से सही की जाए। दूसरी, रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति तुरंत की जाए। साथ के साथ हमें 2 एमडी बिलासपुर क्षेत्रीय अस्पताल में चाहिए, एक हमें स्त्री रोग विशेषज्ञ चाहिए। और जो पीपी किट घोटाला हुआ था उसकी हमें निष्पक्ष जांच चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने सुना होगा हमारे गांव, मेरे गांव कुमझौड़ में पड़ते हैं, वहां से एक हमारा युवक था, मेरा भाई था हंसराज, उसकी मौत हो गई थी स्वार घाट क्वारंटीन सेंटर में। और इन और जो जिनकी ये स्वास्थ्य विभाग की वो लापरवाही थी, पर बाद में जब भी रिपोर्टें रिपोर्टें बनी तो उसमें सब कुछ जीरो कर दिया इन्होंने। तो आपका पुनः धन्यवाद। सीएमओ पे क्या बोलना चाहते हैं आप, क्या क्या कौन से बुरे की लिस्ट में है वो? स्वास्थ्य विभाग के सब बिलासपुर स्वास्थ्य विभाग के सबसे बड़े कर्मचारी सीएमओ साहब हैं। जो ये सारी जिम्मेवारी क्षेत्रीय अस्पताल की है व्यवस्थाओं को सुधारने की, वो सीएमओ की है। और साथ के साथ जो पीपी किट घोटाला हुआ था उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और जो यहाँ जो जो अधिकारी यहाँ लगाया गया है उनके, वो जो एक संदिग्ध सूची होती है पूरे हिमाचल प्रदेश में, जो करप्ट ऑफिसर्स होते हैं उनकी सूची होती है, उनमें इनका नाम सम्मिलित था, तो इनको क्यों यहाँ बिठाया गया? आज तक ये हमारी समझ से बाहर है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द इसके ऊपर इंक्वायरी की जाए, अन्यथा बिलासपुर युवा कांग्रेस रात दिन डीसी ऑफिस के बाहर बैठ के प्रदेश सरकार के खिलाफ मुहिम चलाती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।